सुप्रीम कोर्ट की उड़ाई जा रही है धज्जियां, प्रशासन जान कर भी बना अंजा। हम और हमारी टीम करेगी फले काले करतूतों का पर्दाफाश मुंबई दिया। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ विपुल पांडे। आप देख रहे हैं 24 आवर्स टुडे न्यूज। हम आपको ऐसी चीज दिखाएंगे जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पुलिस और बीएड पारदर्शी चालकों की मिली भगत, किस तरह काली रात में काले कारनामे हो रहे हैं। ये देखिए हमारी पहली स्टिंग ऑपरेशन, ये रिपोर्ट जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, दरअसल ये वीडियो है कांदीवली वेस्ट फाटक रोड रेलवे स्टेशन के सामने का, जहाँ पर S4U बार है। आपको बता दें कि यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है। एक बात तो है, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बार पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन कुछ समय बाद हटा भी दी थी और कहा कि डांस बार एक सम्मानित पेशा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद से करीब 43 साल पहले वेटर सर्विस के नाम से शुरू हुए डांस बार में एक बार फिर चमचमाती मुंबई में खोल दी और फिर से बार बालाओं के कदम थिरकते हुए दिखाई दिए। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि हम महाराष्ट्र पुलिस द्वितीय संशोधन कानून की धारा 33A(1) के प्रावधानों पर रोक लगाना उचित समझते हैं। साथ ही न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश में एक शर्त भी लगा दी और राज्य में लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को बार तथा दूसरे स्थलों पर अश्लील डांस प्रदर्शनों को नियंत्रित करने की भी अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन जिस तरह से अवैध बार में बार बालाएं थिरकती नजर आती हैं, तो आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं ये बार के लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस प्रशासन इस पर चुप्पी साधे क्यों बैठी है? क्या पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं है? अब देखना ये है कि क्या पुलिस इन सब अवैध बार पर कार्रवाई करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट मुंबई। आपके 9 बजे आप देखना ना भूले काले रात में काले कारनामे मेरे यानी